आज पूरे देश में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों बीएमएस को छोड़कर सीआईटू, इंटक, एटक, एचएमएस और जो स्वतंत्र फेडरेशंस हैं, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का फेडरेशन एफएमआरआई है, आपका कोयला का फेडरेशन है, स्टील का फेडरेशन है, बिजली का फेडरेशन है, आंगनवाड़ी का फेडरेशन है, पूरे देश का जो मजदूर है बीएमएस को छोड़कर, करोड़ों लोग आज हड़ताल पर शामिल हैं और ये हड़ताल दो दिन रहेगी, आज और कल। उसमें मुख्य मुद्दे हैं आज जो हमारे देश के अंदर हैं, ये सरकार पूरे देश में जो श्रम कानून बने हैं उनको ख़त्म करके पूंजीपतियों के हक में कानून बनाने जा रही है। दो पहले परिवर्तन कर चुकी है सरकार, एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कर दिया है जहां रेगुलर नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, दूसरा अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन कर दिया है, फैक्ट्रियों में रेगुलर मजदूर नहीं रखे जा रहे, अप्रेंटिस के नाम से काम चलेगा। और इस तरीके से पूरे देश में जो जनता, जो मजदूर, जो किसान, उसका बेटा जो नौकरी की उम्मीद रखता था कि रेगुलर नौकरी मिलेगी, आज रेगुलर नौकरियां खत्म कर दी हैं। यह सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो प्रोविडेंट फंड था, ईपीएफ था या कल्याण फंड थे, यह सारा 24 लाख करोड़ रुपया है पूरे देश में, उस पैसे को सरकार जो है सट्टा बाजार में लगा रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की बात कर रही है। और महंगाई आज आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम 1 रुपया कम होता है 2 रुपये दूसरे दिन बढ़ जाता है और उससे जो है महंगाई बढ़ रही है। सातवें वेतन आयोग ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी जो है 18,000 रुपया होनी चाहिए, यह सरकार जो है न्यूनतम मजदूरी के नाम पर लोगों का मजाक कर रही है और कहीं पर न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं हो रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए 2013 में तय हुआ था, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ये सारे सरकारी कर्मचारी घोषित होंगे। आज आंगनवाड़ी वर्कर को बंद करने का, आंगनवाड़ी सेंटरों को बंद करने का साजिश हो रहा है, मिड डे मील वर्कर्स के साथ भी वैसे मजाक हो रहा है, 1800 रुपया उनको मिलता है, 5-6 घंटे ड्यूटी है हर रोज। इस तरीके से जो पूरे देश में पेंशन सुविधा नहीं है मजदूरों को, पूरे दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर, चाहे पूंजीवादी देश हैं चाहे समाजवादी देश हैं, उन सारे देशों के अंदर पेंशन सुविधा है। हमारे देश के अंदर एमएलए और एमपी को पेंशन है, मजदूरों को पेंशन नहीं है। जो देश का चक्का चलाते हैं, जो देश का उद्योग चलाते हैं, उनको पेंशन नहीं है। ये सारा मसले जो हैं, और आज ये सरकार जो है नंगा होकर अंबानी अदानी की पक्ष में खड़ी हो गई है, पूरा पैसा उनको लुटा रही है। इवन जो ईएसआई का पैसा है, जो मेडिकल का पैसा होता था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है आज अंबानी को दे दिया गया है। इसलिए आज पूरे देश का मजदूर जो है ठगा महसूस कर रहा है और इसलिए 2 दिन का हड़ताल है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप मजदूरों की आवाज को सुने, अगर आप नहीं सुनेंगे तो कांग्रेस की तरह आपको भी बाहर का रास्ता दिखा देगा मजदूर इस देश का, यह तय है।